हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूट्राइन कैंसर या एंडोमेट्रियल कैंसर के बारे में। यूट्रस का जो कैंसर है वो फीमेल ऑर्गन यूट्रस में होता है। यूट्रस यानी कि बच्चादानी, जहाँ पे एक फीमेल को प्रेगनेंसी होती है और वो बेबी ग्रो करता है, उस ऑर्गन को यूट्रस बोलते हैं। यूट्रस का कैंसर एक बहुत ही कॉमन कैंसर है फीमेल्स में और इसकी इंसिडेंस धीरे धीरे बढ़ती भी जा रही है। तो इस कैंसर के ये जो कैंसर है ये यूजुअली मेनोपॉज के बाद होता है। मेनोपॉज यानी कि एक महिला का पीरियड बंद हो गया है, जो महीना आता है वो बंद हो जाने के, उसको हम मेनोपॉज कहते हैं। तो उसके बाद यानी कि 50 की आसपास की उम्र के बाद ये कैंसर कॉमनली देखा जाता है। इसके रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि ओबेसिटी, मोटापा या फिर हाइपरटेंशन, बीपी ज़्यादा होना, डायबिटीज, शुगर की बीमारी या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म जो थायरॉयड की बीमारी होती है। ये सब बीमारियां अगर किसी को है तो उनमें ये कैंसर होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। ये कैंसर का सबसे कॉमन सिम्टम है मेनोपॉज के बाद भी, यानी कि पीरियड या महीना बंद होने के बाद भी ब्लीडिंग का वापस आ जाना। थोड़ी सी भी ब्लीडिंग, चाहे वो एक बूंद हो या ज्यादा हो, मेनोपॉज के बाद अगर कुछ भी ब्लीडिंग होती है तो वो तुरंत अपने डॉक्टर से चेक करवाइए और उसके बाद एक अल्ट्रासाउंड करने के लिए आपको बोला जाएगा। अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि यूट्रस में कुछ गांठ है या खुद जो अंदर यूट्रस की जो टिश्यू है वो बढ़ने लगा है, ग्रो करने लगा है, वो सब आपको सोनोग्राफी पे पता चल जाता है। वो अगर बड़ा हुआ है तो आपके डॉक्टर आपको डीएनसी यानी कि डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज नाम का एक प्रोसीजर एडवाइस करते हैं, जिसमें यूट्रस के अंदर से जो वो टिश्यू है उसको निकाल के जांच के लिए भेजा जाता है हिस्टोपैथोलॉजी के लिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें वो हिस्टोपैथोलॉजी टेस्टिंग में भी पता चलता है कि वो जो टिश्यू है उसमें कैंसर है या नहीं है। अगर उसमें कैंसर है तो वो कौन से टाइप का है, कितना वो फैलने के चांसेस है, वो अभी अर्ली स्टेज है या वो थोड़ा ज्यादा बढ़ने की तरफ जा रहा है, ये पूरा डायग्नोसिस आपको डीएनसी और हिस्टोपैथोलॉजी टेस्ट के बाद ही पता चलता है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो है सर्जरी। अगर ये जो आपका ट्यूमर है, अगर कैंसर है वो यूट्रस के अंदर ही सीमित है और अभी फैला नहीं है, तो इसका ट्रीटमेंट सर्जरी से किया जाता है, जिसमें कि यूट्रस, सर्विक्स, ओवरीज और उसके आसपास के लिम्फ नोड्स को निकाला जाता है। ये एक क्योरेबल कैंसर है, जिसका मतलब है कि ये अगर अर्ली स्टेज पर डायग्नोस हो जाता है, मतलब यूट्रस के बाहर फैलने से पहले अगर ये डायग्नोस हो जाता है, तो सर्जरी से ये इसको पूरी तरह से, ऑलमोस्ट पूरी तरह से ट्रीट किया जा सकता है और इसके वापस आने के या दूसरे ऑर्गन्स में फैलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एक और ट्रीटमेंट ऑप्शन जो यूज किया जाता है अलोंग विद सर्जरी, वो है रेडियोथेरेपी। यूट्रस जहाँ से सर्जरी की गई है, यूट्रस निकाला गया है, उस एरिया को थोड़ी सी रेडियोथेरेपी दी जाती है ताकि आपका कैंसर वापस आने के चांसेस और भी कम हो जाए। और अगर बाय चांस इसका डायग्नोसिस लेट हुआ है और ये थोड़ा बहुत फैल गया है, तो फिर कीमोथेरेपी भी एक ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, इस कैंसर की सबसे स्पेशल बात ये है कि ये एक क्योरेबल यानी कि अच्छी प्रोग्नोसिस वाला कैंसर है। तो जिन भी महिलाओं को मेनोपॉज या महीना खत्म होने के बाद थोड़ी भी ब्लीडिंग होती है, उनको तुरंत जांच के लिए जाना चाहिए। या फिर अगर मेनोपॉज नहीं हुआ है, पीरियड खत्म नहीं हुआ है, तब भी अगर पीरियड्स के बीच में कुछ आपको अलग तरह की ब्लीडिंग या आपकी साइकिल से बाहर जाकर कुछ ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको भी प्लीज टेस्ट कराइए। जितना जल्दी ये कैंसर पकड़ा गया, सिर्फ एक यूट्रस की सर्जरी से ये पूरी तरह, ऑलमोस्ट पूरी तरह क्योरेबल है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल रही होगी। एंड प्लीज़ हमारी चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।